दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रेजी राइड्स 23। आज की क्रेजी राइड पे हम पहुंच चुके हैं एक नई जगह टू ट्राई देयर फूड, पर उससे पहले लेट्स थैंक आवर एनकरेजर्स वेस्टर्न हेल्थ केयर नेम फॉर होम हेल्थ केयर सर्विसेज, वी जे ज्वेलर्स सिटीस्केप लैंडिंग, डॉक्टर नेहा शर्मा फ्रॉम परेरी विंस डेंटल, बेस्ट बाय फर्नीचर एंड मैट्रेसेस कैलगरी, रमेश वर्मा एंड एसोसिएट्स एंड क्वालिटी ट्रांसमिशन। आज की राइड पे हम पहुंच चुके हैं एगोहोलिक इंडियन स्ट्रीट फूड। यस, दे हैव ग्रेट वैरायटी ऑफ एग डिशेस, जिनमें कुछ के नाम भी बड़े यूनिक और देख के थोड़ी हंसी भी आ रही थी। बट नॉट जस्ट एग, इनके पास वेजिटेरियन में भी काफ़ी ऑप्शंस हैं एंड ऑल्सो चिकन एंड चाट के भी ऑप्शंस हैं। सो आप ये मत सोचें कि खाली एग्स मिलते हैं इधर। और हमने काफ़ी सोच समझ के और चुन के हमने यहाँ पे ऑर्डर किया इनका दाबेली। हम तुम नाम नहीं है मूवी का, इनकी डिश है एक एग की। और साथ में किया हमने पनीर लावा पुलाव, इस पर एकदम चीज़ आप देख सकते हो ऊपर है। अब इनका टेस्ट कैसा था आइए आपको बताते हैं। तो हमारी पहली डिश आ गई है, हमने ऑर्डर करी है दाबेली। देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, इसके अंदर ऐसे एक मसाला होता है, देन पीनट्स हैं, थोड़ी नायलॉन सेव है साइड पे। ये चटनी डाल के ट्राई करो, काफी टाइम बाद दाबेली खा रही हूँ। जो साथ में सेव भी है इसके अंदर, जो स्पाइसी है वो तो उन्होंने बोला ही था कि आपको क्या लेवल चाहिए, जो आप मजा रहे है ना, मसाले अच्छे है ना। एक बाइट और ले। यूजली ये ब्रेकफास्ट में खाते हैं लोग, तो जैसे बड़ा पाव हो गया वैसे दाबेली हो गया, सो काइंड ऑफ अ स्नैक, इवनिंग स्नैक या कभी कभी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो। स्वाद है, स्वाद है, कभी वेरी हॉनेस्ट, बहुत बढ़िया। अपना जो स्पाइसी लेवल है आप उनसे बोल सकते हैं कि आपको नॉर्मल चाहिए या इंडियन वे से चाहिए, क्योंकि वो दोनों आपको बना के दे सकते हैं। हम दो दाबेली खा रहे हैं और भी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, मज़ा रहा है। इसलिए हम मैं तो ज़रा थोड़ा थोड़ा खाओ। अनियंस यूजली इसके साथ में होते हैं लेकिन हमने साइड में ले लिया था, मुझे अच्छे नहीं लगते इसमें अनियंस डाल रहे हैं, तो उनका साइड पर ले लिया। तो चलो एटलीस्ट कुछ चीज़ यहाँ मिलनी शुरू हुई, थोड़ा डिफरेंट मतलब छोले भटूरे और वो चाट वाट से अलग अलग चीज़, जो हम इंसान खा के थोड़ा सा मोनोटोनस हो गया था कि सेम चीज़ खाने को मिल रही है हर जगह पे। चलो ठीक है, छोला भटूरा है, स्वाद होते 10 रेस्टोरेंट है, 10 रेस्टोरेंट में आपको मिल रहा है छोला भटूरा, लेकिन स्वाद का फर्क होगा, लेकिन चीज़ तो वही है, डिश तो वही है, लेकिन अब ये है कुछ डिफरेंट डिशेस खाने को मिलती हैं, तो वो उसका मज़ा कुछ और है, अलग अलग तरह की डिशेस, अलग अलग, यही मज़ा है डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना। कैलगरी का या कहीं भी कनाडा में चला जाओ, इतना डाइवर्सिफिकेशन है कि एक डिफरेंट डिफरेंट जगह के जो लोग हैं यहाँ के बस रहे हैं, और हमें खाना ट्राई करना। फॉर आवर नेक्स्ट डिश दैट इज हम तुम, तो ये एग की डिश जो है उन्होंने ग्रीन गार्लिक टोमेटो चीज़ में कुक की हुई है ग्रेवी में, एंड इट इज़ टॉप्ड विद सेसमी सीड एंड तड़का। कुछ डिफरेंट तरह का इसमें उन्होंने मिश्रण बताया, ग्रीन येलो और ये जो ग्रेवी है, इसकी दो चॉइसेस थी, ब्रेड या रोटी, तो हमने रोटी ली, तो रोटी भी घी के साथ ज़बरदस्त, तो ट्राई करते हैं। रोटी तो बिल्कुल जैसे घर जैसी रोटी होती है वही है, और ये है जी हम तुम। बहुत ही अलग टेस्ट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब कि हम और तुम का जो उन्होंने वो दिया है नाम, मिक्स मज़ेदार डिश है, जो भी है बहुत मज़ेदार डिश है। आप अभी अपना खाओ, हम तुम, मेरा आ रहा है लावा पनीर पुलाव। बट इसकी स्मेल मुझे बहुत अच्छी लगती है। 10 में से 10 नंबर।
बहुत बढ़िया चीज है, अलग खाने को मिल रहा है, अलग खा रहे हैं कुछ। मुझे स्मेल काफी इसकी वो लग रही है, अच्छी लग रही है, अच्छी इन द सेंस मुझे इसमें से काफी घी और बटर की स्मेल आ रही है। मुझे भी जो अंडा है उसको हम कितने डिफरेंट रेसिपीज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पर आपको मिलेगा। ये मैं ट्राई करूँगी। ओके गर्मी में वैसे छाछ का मजा लगा हर हिस्से में से अलग अलग। आप तो अभी भी उसी की बात कर रहे हो। स्वाद तुम खा पी गए ना पहले? मतलब इसमें ना दही का भी वो इतनी पतली नहीं, पतली नहीं है। हाँ ऐसा लग रहा है कि पानी पानी डाल रखा है, दही का स्वाद लगा रहा है। राजस्थान में मिलती है ना सरस की छाछ, सरस की छाछ बहुत पीते हैं सरस की छाछ भाई। ओहो जयपुर की गर्मी में, जयपुर की गर्मी हो या सर्दी हो छाछ चलती रहती है वहाँ पे, बट गर्मी में जो मजा था मजा। हाँ कनाडा में भी अभी मतलब कैलगरी में भी उतनी गर्मी पड़ रही है। हाँ नहीं पनीर पुलाव तुम्हारी लास्ट विश आ चुकी है। चलो जी रुका तो जाएगा तो चीज भी है इसके ऊपर। हाँ चीज पनीर और साथ में है जी चावल लावा भी इसे अनियंस है टोमेटो गरम गरम और साथ में उन्होंने दिया है रायता भी। बिल्कुल अलग टेस्ट है जो हम रेगुलर उसमें खाते हैं रेस्टोरेंट से, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है। मसाले खाती हैं इसमें, इट्स लाइक हैवी ऑन स्पाइसेस बट डिफरेंट टेस्ट है, स्वाद लग रहा है। अगर आप अलग कुछ खाना चाहते हैं सेम इंसान के बार थोड़ा मोनोटोनस होता है जैसे पहले मैंने बोला, बहुत ही अमेजिंग है डिफरेंट डिशेज डिफरेंट टाइप का खाना। दोबारा एक बार आके ना और चीज़ें भी मैं ट्राई करूँगा यहाँ पे, बहुत कुछ है ट्राई करने के लिए। उनके सैंडविचेस भी अच्छे हैं। हाँ बाकी स्टाफ भी बहुत अच्छा है, उन्होंने हमें रिकमेंड किया कि क्या खाना क्या ट्राई, हमने कहा कि भाई हम पहली बार आए हैं बहुत कुछ खाओ, जो भी रिकमेंड किया था इट्स रियली गुड। बाकी आपकी मर्जी है आप आए ट्राई करें, मुझे तो काफ़ी नाम सुना है मैंने गोलक कागरी में, तो मे भी आप लोग भी ऑलरेडी ट्राई कर चुके होंगे, तो आपकी फेवरेट डिश कौन सी फेमस जरूर बताए कमेंट्स पर। सो ओवरऑल अमेजिंग फूड डिफरेंट फूड वर्थ इट, प्राइस पॉइंट क्वांटिटी इज रियली गुड, और जिस तरह का स्पाइस लेवल चाहिए आप बनवा सकते हैं, और वाइब अभी अच्छा है, रेस्टोरेंट लाइफ लिटअप है, काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, मज़ेदार कोट्स लिखे हुए हैं, जैसे बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे आमलेट बनते रहते हैं, बड़ा मज़ेदार कोट्स है। If you enjoyed our video, do give it a thumbs up. If you liked it, do subscribe to our channel for more such videos and share with your family and friends so they can enjoy our video too. And we would love to know your experience, so do comment. It would be great to hear from you. Also, through our channel, we try to promote local and small businesses, and it would be great to have the support of our viewers for the same. Thank you and take care.